ਬਲਾਵਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 2000 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ पेशे खिदमत है ऐसा अजीम लीटर कर दो जूते लगाओ 1000 रुपया ये तो मतलब एक मजाक है इट्स अ जोक कितने सारे पैसे सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना ऐसी हुकूमत को डूब मरना चाहिए लंडा बाजार पहुंचे तो पहले साडा तेल मुक जाना इतनी बड़ी रकम तुहाडे घर भी चूल्हा नहीं चलता साडे घर भी मसाइल ने मरियम औरंगजेब के 2000 रुपए 2000 रुपए 2000 रुपए के बाद बिलावल भुट्टो के 1000 रुपए पेशे खिदमत है मरियम औरंगजेब के 2000 रुपए ने आपकी दुनिया बदल दी थी और अब बिलावल भुट्टो का 1000 रुपया आपकी जिंदगी बदल देगा मौसूफ फरमाते हैं पसमानदा खवातीन की जिंदगियां बदल जाएंगी ना सिर्फ इतना ही बल्कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और जो महंगाई के तोते फेंके जा रहे हैं उसमें 1000 रुपया अगर आपको मिल जाए तो मेरा ख्याल है घर का चूल्हा भी जल जाएगा और कुंवारों की शादियां भी हो जाएंगी दूसरी जानब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के सबसे बड़े लीडर की जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज कर दिया गया है जो ही खान साहब यहाँ से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होते हैं तमाम बैरियर्स यहाँ से हटा दिए जाते हैं पुलिस की नफरी वापिस बुला ली जाती है जबकि वजीरे दाखला खुद कहते हैं कि कप्तान को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली जान का खतरा है नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी अंदर की क्या है कहानी ये जानने के लिए हमने रुक किया है जमान पार्क का तो जनाब चलिए मेरे साथ कप्तान की बड़ी वाइब्रेंट खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है सादिया आपा आपके होते हुए पुलिस आई है सारा ताम झाम उठा के अपने पुलिस वाले उठा उठा के बैरियर उठा के ले गई रोका नहीं आपने लगता है तुमने टीवी नहीं देखा रोका भी मैंने ही था और वापस चीज़ें रखवाई थी किसी की जरूरत नहीं है जो हमारे आगे टिक जाए और हमने उनसे कहा मैं कहा अभी यहाँ से नहीं उठाएंगे उन्होंने कहा PSL के लिए हमें चाहिए मैं कहा हमारी कुर्सियाँ और कनाते भी चाहिए बड़ा पंजाब गवर्नमेंट का हाल बुरा नहीं हो गया कि ये दो बैरियर उनको PSL के लिए चाहिए तो फिर मैंने उनको कहा मैंने कहा आपने जो अपना जो उठाया था ना पाकिस्तान से वफादारी का उठाया था तुहाडे घर भी चूल्हा नहीं चलता साढ़े घर भी मसाइल ने तो यह देखो इन्हें तो नस जाना है पर रहना असी ही थे जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं चल झूठी चोरनी चोरनी तो बस फिर उनको सिक्योरिटी उसके लिए चाहिए जान के लिए इमरान खान को बचाने वाले बहुत ना देते सिक्योरिटी जो हजूम था लोगों का जो जुनून था वो देखा था इसे कहते हैं लीडर अच्छा मरियम औरंगजेब आती हैं टीवी पे कहती हैं हम दे रहे हैं 2000 रुपया अब आ गया बिलावल भुट्टो कहते हैं 1000 रुपया दे रहा हूँ और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा आपने एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवा लिया बैंकों में फिर आए मैं तो सोच रही हूँ मैं पैसे रखूंगी कहाँ कितना मुश्किल है 2000 पूरे 2000 वो और 1000 उसमें शामिल हो गया अब तो मेरे घर की ताले अलमारियां बैंक अकाउंट सब फुल हो जाएंगे और मैं समझ रही हूँ कि मैं क्या कौन सा पैलेस बनवाऊँ कौन सी गाड़ी लूँ ओडी ले लूँ ऐसा अजीम लीटर कर दिया था दो जूते लगाओ आप खवातीन यहाँ पर डटी हुई थी आपा के साथ बैरियर आपसे रोके कोई नहीं गए बैरियर कोई हिम्मत तो करता हाथ लगाने की हाथ तोड़ के उनके हाथों में पकड़ा देते टांगों से आए थे तो व्हीलचेयर पे वापिस जाते पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर उनकी सिक्योरिटी के खदशात है यहाँ पे पुलिस नजर को नहीं आ रही बिल्कुल नहीं नजर आ रही हम बैठे हैं ना हम पुलिस से भी बहुत ज्यादा तो बंग है हम पुलिस से भी ज्यादा नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब मरियम औरंगजेब के 2000 रुपए अब बिलावल के आ गए 1000 रुपए औरतों की जिंदगियां बदल जानी है इनकलाब आ जाने कहाँ से शॉपिंग कर रही हैं अरे इनकलाब आ गए हैं जी सारी शॉपिंग हम ही कर रहे हैं होगा जो लाखों रुपए सर्जरी पे मरियम नवाज लगाती है वो करोड़ों रुपए अपनी सर्जरी पे लगा ले और जो क्योंकि 5 साल की वो हो चुकी है उसके लिए पैसे कम ना हो जाए वो बिलावल को भी कहते हैं अपनी बहन को दे देना वो और तिजोरियां भर के लंदन चली जाए नहीं नहीं इनके जज्बात वो 2000 में जी बहुत ब्रांड की शॉपिंग्स हो जाएंगी और सर्जरियां काफी लोग और भी करवा देंगे जी वाह इतनी सर्जरी कहाँ से होती है मैंने तो सुना करोड़ों रुपए लग जाता है इंग्लैंड जाकर 2000 रुपए है ना कोई थोड़े से तो नहीं है 2000 रुपए तो काफी सर्जरियां हो जाएंगी देखे ना काफी बिलावल ने ऐलान किया कि खवातीन की जिंदगी बदलेगी इनकलाब आएगा आपने सोचना शुरू कर दिया है कि अब ये पैसे खर्च कहाँ करने हैं नहीं जी इतने सारे पैसे सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना 40 किलोमीटर की हुकूमत ने गरीब को
मजबूर कर दी है, ऐसी हकूमत को डूब मरना चाहिए। अपा किथे खतर खर्च करने पैसे तुसी? देखो जी असी खर्च इत्थे करने आ, असी अगर घरों भी निकले ना ते लंडा बाजार पहुंचे तो पहले साड़ा तेल मुक जाना, इन्नी वड्डी रकम इंपोर्टेड माल तक पहुंच ही नहीं पाना तुसी। ओथे भी नहीं असी पहुंच पाना ते ओ साड़ी गड्डी दा तेल ही पहले मुक जाना। बिलावल ते कहंदे मैं औरतां नूं देणे ने 1-1 हज़ार रुपया, बंदियां नूं नहीं। सानूं ते नहीं पता वी ओ मर्द है या औरत है। शनाख्ती कार्ड ते लिखिया है कि ओ मर्द है। असी नहीं मानते। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जो इन्होंने इनका माइंड सेट है, जो इन्होंने सोचा था, वो आवाम की ताकत में होने नहीं दिया। मरियम का 2,000 रुपये वो जो था, तो अभी तो अब 1,000 आ गया। अब आप सोचेंगे क्या उसका। होय होय होय, बड़े प्लान बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्लान बन गए। लीजिए जनाब, हमारे साथ डॉक्टर सुंदर सली मौजूद है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताए, डॉक्टर तो बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं, पूरा ऑपरेशन कर देते हैं हर चीज का, हर बंदे का। तो अब बिलावल भुट्टो जो है वो आपको 1,000 रुपया देने जा रहे हैं, क्या करेंगी आप? 1,000 रुपया ये तो मतलब एक मजाक है, इट्स अ जोक। जितनी महंगाई हो गई है, जितनी इन्फ्लेशन हो गई है, तो इसकी तो अब इसका हम क्या करें? इससे हम कोई इलेक्शन कैंपेनिंग करें हम गरीब लोगों के लिए? तो 1,000 मतलब, तो पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और आटे की, चावल की, यू नो, तो इतने ज़्यादा महंगाई में 1,000, ये बहुत ही, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, उनको पता है ना कि ये आगे सामने लोग कौन है? ये बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं, कीमे वाले नान पे ये डंडे खा लेते हैं, तो 1,000 रुपया तो बड़ी चीज़ है। देखिए आजकल की जो जिस हम दुनिया में रह रहे हैं अभी, और जितनी महंगाई हो गई है पूरी दुनिया में, 1,000 कुछ भी नहीं है। 1,000 तो मतलब, ये अगर देना था तो आप थोड़े ज़्यादा देते कुछ उससे। आप 1,000 तो आपकी बेसिक नीड्स, ये मुझे नहीं लगता। डॉक्टर साहब, ये आपके इमोशन से प्ले करते हैं कि गरीब बंदे को इस तरह की ऑफर्स दे दे के क्या करते हैं ये आपको? मेरे हाल में गुलामाना सोच में रखना चाहते हैं कि ये ले 1,000 रुपया, जो मर्जी कर, वोट मनु देना। देखें ये अब आवाम की ना सियासी शहूर काफ़ी बढ़ गई है। अब हम इतने उस तरह नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है, अवेयरनेस है, और गरीब लोगों को भी पता है कि ये अब इलेक्शन आ रहे हैं और अब ये इस तरह की टैक्टिक्स। अब आज पेट्रोल की प्राइस में यू नो 5 रुपये कम किए, अब इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। 5 रुपये जब कम किए हैं, तो मरियम भी पिछले दिनों में कह रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, जब मियाँ साहब आएंगे तब हमारी हुकूमत होगी। तो रात को तो वो शुक्रिया अदा कर रही थी शहबाज शरीफ साहब। हाँ, वो जो कर रही है ना, वो हम सब ने देख लिया, उनका क्या मकसद है और ये क्या करना चाह रही हैं। ये जो सारा आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसके पीछे ही पड़े हुए थे, तो ये बिलावल का ये एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा, इसमें इसकी कोई अहमियत मेरे हिसाब से, मुझे लगता है गरीब असल जो, अगर आपने उनको फ़र्क करना है उनकी ज़िंदगी में, तो जाके देखें कि उनका एक बजट बनाएं कि क्या उनके एक्सपेंसेस हैं डेली बेसिस पे, और आप उसको उनके असल में कोई, ये तो इलेक्शंस ये टैक्टिक्स हैं। बाहर से जब नोट आता है ना जी 1,000 का, वो दिरहम हो डॉलर हो, उसके इतने सारे पैसे आ जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो आपको 1,000 रुपया दे रहे हैं, इसका क्या करना है? मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट कमेंट्स पास करूँगी कि मैं उसकी थोड़ा सा फेवर में बोलूँगी। हाँ जी, वो इस नाते कि जब ये लोग यहाँ के बयान इस तरह के बयान देते हैं ना, तो वाकई इनकलाब आ जाता है। अच्छा जी, आपके जहनों में आ जाता है ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं? जी यही तो, जितनी कंपेन जो है वो पीटीआई की कर दी है ना उसने, बिनते नवाज शरीफ ने और इब्ने जरदारी ने, यही तो चीज़ है ना। पीछे से सारे भांडे टींडे ले गए हैं, सारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब पहले कहते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली खतरा है इतने बड़े लीडर को, तो ये मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे? बिल्कुल जी, लेकिन कल अगर राणा सनाउल्लाह में इस तरह इतनी गैरत थी, तो इस तरह 2 महीने से इधर कैंप लगे हुए हैं, पहले क्यों नहीं इधर आया? एक दिन भी कल जब देखा है कि वो खान इस्लामाबाद चला गया और उसके सारे जियाले उसके साथ इस्लामाबाद में हैं, तो कल इधर आके बदमाशी शुरू कर दी उसने। अभी फिर खान इधर आ गया, हम लोग आए हुए हैं, आज देखे इधर आके सिक्योरिटी हटाने की कोशिश तो करे, आज देखे तो सही। तो इसको साहब है ही 3-4 पुलिस वाले, उनको क्या हटाना उन्होंने? देखिए सिक्योरिटी के लिए हम जो बैठे हैं खान को, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है।